नमस्कार, स्वागत है आईसीबी 24 न्यूज में। सड़क पर घूम रहे बेघर बेसहारा बच्चों को उज्जवल भविष्य और पुनर्वासित करने के लिए एनसीपीआर ने कमर बांध लिया है। एनसीपीआर द्वारा किए गए अब तक प्रयासों में ज्यादा सफलता ना मिलने पर एनसीपीआर ने अपनी सोच और तरीके बदल लिए हैं, जिसमें अब एनसीपीआर बाल आधारित नीति के बजाय परिवार आधारित नीति अपनाएगी, जिसके तहत बेघर बच्चों को परिवार पुनर्वसित करके दिया जाएगा। एक सर्वे के मुताबिक देश के 10 शहरों में करीब 2 लाख बच्चे सड़क पर हैं, जिन्हें एक वर्ष के भीतर पुनर्वसित करने का लक्ष्य है। 50 धार्मिक स्थलों वाले शहरों को भी बाल भिक्षावृत्त मुक्ति बनाने का लक्ष्य है। इन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाल आयोग ने हाल ही में स्ट्रीट चिल्ड्रन की देखभाल और संरक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। इसमें तय है कि सड़क पर पाए गए बेसहारा बच्चे को किस तरह संरक्षण और देखभाल की जाएगी। बच्चों के संरक्षण और उचित विकास के लिए कई कानून और योजनाएं बनाए गए हैं, लेकिन सड़क के बच्चों को बसाने में पूरी तरह सफलता नहीं मिली, बल्कि समस्या बढ़ती गई। स्ट्रीट बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो कहती हैं कि अब उन्होंने नजरिया और तरीका बदल लिया है। बाल केंद्रित नीति के बजाय परिवार केंद्रित नीति अपनाई जाएगी। बच्चों को परिवार से अलग नहीं देखा जा सकता है। ऐसे में बच्चे को संरक्षित करने के लिए पहले उसके परिवार को पुनर्वासित करना होगा, ताकि बच्चा सड़क पर घूमता ना दिखे, वह स्कूल जाए और सुरक्षित माहौल में रहे। सेव द चिल्ड्रन संस्थान के सर्वे के मुताबिक 4 राज्य दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 10 शहरों में करीब 2 लाख बच्चे सड़क पर हैं। इनमें ज्यादातर कचरा बीनते हैं या भीख मांगते हैं। ये बच्चे उत्पीड़न का शिकार होते हैं और कई बार नशे की चपेट में भी होते हैं। इस बहुआयामी समस्या में मौजूद SOP उतना प्रभावी नहीं हो रहा था, इसलिए आयोग ने मौजूदा नियम कानूनों में तय प्रक्रिया को कानूनों की व्यापक व्याख्या के साथ नई SOP तैयार की है, जिसमें बच्चे को एक परिवार के रूप में रखा गया है। स्ट्रीट चिल्ड्रन में मुख्यतः 3 श्रेणियां हैं। एक वे जो अकेले और बेसहारा हैं, ये या तो घर से भागे होते हैं या अनाथ हैं, अथवा परिस्थितिवश बेसहारा हैं। SOP में इन्हें तत्काल चाइल्ड केयर, एडॉप्शन या फोस्टर होम में भेजने की प्रक्रिया तय है। बच्चे के आधार वेरिफिकेशन की भी की जाती है, ताकि अगर पहले से आधार बना हुआ है तो परिवार का पता चल जाएगा। दूसरी श्रेणी में उनकी है जो दिन में सड़क पर भीख मांगते हैं और रात में आसपास की झुंडियों में अपने माता पिता के पास चले जाते हैं। ऐसे बच्चों और परिवार की काउंसलिंग होगी। बच्चों को स्कूल आंगनवाड़ी में एडमिशन होगा। स्कूल के बाद माता पिता के काम से लौटने तक बच्चों को ओपन शेल्टर में रखा जाएगा, जो कि डे केयर की तरह होता है। तीसरी श्रेणी में बच्चों सहित पूरा परिवार सड़क पर भीख मांगता है।